सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडीज क्लास टू लेक्चर 5 चैप्टर 5 क्लोथ्स वी वेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5। आज हम चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर वी विल रिवाइज चैप्टर 5। ओके, हम रिवाइज करेंगे पहले चैप्टर 5, उसके बाद हम अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का काम करेंगे। सो वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड हीट रेन एंड डस्ट। कपड़े हमें कोल्ड हीट रेन और डस्ट से बचाते हैं और हमारी बॉडी को कवर भी करते हैं। ओके, इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जैसे गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। इन द समर सीज़न वी वेयर कॉटन क्लोथ्स दैट कीप आर बॉडी कूल एंड कंफर्टेबल। हम समर सीज़न में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमारी बॉडी को कूल और कंफर्टेबल रखते हैं। ओके, क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स? कॉटन क्लोथ्स पहनने से हमारी बॉडी कूल और कंफर्टेबल रहती है। ओके, कॉटन किससे मिलता है हमें? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। विंटर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स जैसे कैप, जैकेट्स। ओके, तो कैप भी हम कैसे पहनते हैं? वुलन ही पहनते हैं, ऊनी कैप होती है। ओके, इन दी विंटर सीजन वी वेयर वुलन क्लोथ्स दैट कीप आर बॉडी वार्म। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम ठंड में? ताकि हमारी बॉडी कैसी रहे? वार्म रहे, गर्म रहे। ओके, तो ठंड के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, जैसे वुलन कैप पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? वुलन क्लोथ्स में। ओके, वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि बॉडी गर्म रहे। लेकिन वूल हमें किससे मिलती है? वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें भेड़ से ऊन मिलती है। ऊन कैसे बनाई जाती है? वूल इज़ मेड ऑफ दी हेयर दैट ग्रो ऑन दी बॉडी ऑफ अ शीप। भेड़ की बॉडी पर जो बाल होते हैं उनसे ऊन यानी वूल बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? जो भेड़ के बॉडी पर बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। वूल इज मेड ऑफ द हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप। इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड बाय स्पिनिंग। थ्रेड बनाने के लिए इनको किससे बनाया जाता है? बाय स्पिनिंग। ओके, इट इज कट एंड मेड इनटू वुलन थ्रेड। वुलन थ्रेड के रूप में बनाया जाता है बाय स्पिनिंग। स्पिनिंग द्वारा इन्हें वुलन थ्रेड बनाया जाता है। इन द रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स एंड गमबूट्स टू अवॉइड गेटिंग वेट। जैसे समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश से बचने के लिए लोग रेनकोट्स, गम बूट्स पहनते हैं। ओके, दीज आर वाटरप्रूफ एंड कीप अस ड्राई इन द रेन। ये कैसे होते हैं? ये वाटरप्रूफ होते हैं जो गीला नहीं होने देते हमें। ओके,
So in the rainy season, we wear raincoats and gumboots to avoid getting wet. These are waterproof and keep us dry in the rain. अब हम बात करते हैं सिल्क क्लोथ्स की. वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स दैट आर मेड ऑफ सिल्क. हम ऐसे भी कपड़े पहनते हैं जो सिल्क के बने होते हैं, यानी रेशम के बने होते हैं. सिल्क क्लोथ्स आर स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी. जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी होते हैं. ओके, तो सिल्क के कपड़े बनाने के लिए हमें सिल्क मिलती किससे है? हमें सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म से. ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. दिस सिल्क वॉर्म्स मेक्स अ कोकोन अराउंड इट्सेल्फ. सिल्क वॉर्म क्या बनाते हैं? कोकोन बनाते हैं. ओके, वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द सिल्क कोकोन. और हमें जो सिल्क थ्रेड मिलता है वो किससे मिलता है? सिल्क कोकोन से. ओके, रील्स ऑफ सिल्क थ्रेड आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. जो सिल्क थ्रेड की रील्स होती हैं फिर उनको यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए. जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, सिल्क वॉर्म्स ने क्या बनाया? कोकोन बनाया. ओके, फिर थ्रेड किससे मिली? सिल्क कोकोन से. फिर थ्रेड से रील्स बनाई गई. ओके, रील्स का फिर यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए. फिर हमने स्पेशल क्लोथ्स के बारे में पढ़ा. वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर पार्टीज. हम स्पेशल क्लोथ्स पार्टीज के लिए पहनते हैं. ओके, चिल्ड्रन लव टू वेयर पार्टी और स्पेशल क्लोथ्स. बच्चों को स्पेशल क्लोथ्स पहनना, पार्टी क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद होता है. सभी बच्चों को होता है. सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स. कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, जैसे कॉटन. कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से. वूल, वूल भी क्या है? नेचुरल फाइबर. और ये किससे मिलता है? शीप से. एंड सिल्क, सिल्क किससे मिलता है हमें? सिल्क वॉर्म से. ओके, तो ये हैं नेचुरल फाइबर्स. और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, जो इंसानों द्वारा बने हैं. ओके, केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन. ये क्या हैं? ये हैं मैनमेड फाइबर. कौन कौन से हैं मैनमेड फाइबर? नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन. स्पेशल ड्रेसेस और यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होती है पहले हम वो देखते हैं. तो यूनिफॉर्म क्या है? पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. जो लोग स्पेशल जॉब्स करते हैं उन्हें अलग तरह के स्पेशल, अलग तरह के, ठीक है, कपड़े पहनने होते हैं. ओके, तो उन्हें कहा जाता है यूनिफॉर्म्स. पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. अलग तरह के फिर वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है यूनिफॉर्म. ओके, सो the clothes we wear on special occasions are called party wear or special clothes या party clothes. जो किसी special occasion में लोग पहनते कपड़े तो वो कैसे होते हैं? उसे कहा जाता है या तो party clothes, ठीक है, या तो party wear,
या कहते हैं स्पेशल क्लोथ्स। ओके, तो यूनिफॉर्म क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होती है जब स्पेशल जॉब करने वाले, जैसे पुलिसमैन, सोल्जर्स होते हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं? स्पेशल जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो ये अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, इनके कपड़े अलग होते हैं जो ये काम करते वक्त ही पहनते हैं, तो उन्हें कहा जाता है यूनिफॉर्म्स। अ स्टूडेंट वेयर्स अ यूनिफॉर्म व्हेन ही गोज टू स्कूल। जो स्टूडेंट होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। अ पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन एंड नर्स ऑल्सो वेयर्स यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म पहनते हैं वो भी। पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स, ये सारे क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। व्हेन दे आर एट वर्क, जब वो अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर होते हैं। सो अ स्टूडेंट वेयर्स अ यूनिफॉर्म व्हेन ही गोज टू स्कूल। अ पोस्टमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन एंड नर्स ऑल्सो वेयर्स यूनिफॉर्म व्हेन दे आर एट वर्क। फिर हमने ये भी देखा था कि इंडिया में अलग अलग जगह में, इंडिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, जिसमें हमने पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगह की क्या देखी थी? ड्रेसेस देखी थी। ओके, सो अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमें काम करना है। ओके, सो टुडे We will do extra questions answers of chapter 5, clothes we wear. पहले हम revise करेंगे जितने भी हमने new words question answers किए थे, then उसके बाद हम extra question answers करेंगे। तो न्यू वर्ड्स में हमने नंबर 1 पर लिखा है प्रोटेक्ट, PROTECT। ओके, प्रोटेक्ट के बाद हमने समर लिखा है SUMMER, समर। नंबर 3 कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। 4th इज कॉटन, COTTON, कॉटन। 5th है वुलन, WOOLLEN, वुलन। वुलन के बाद हमने लिखा है थ्रेड, THREAD, थ्रेड, THREAD, थ्रेड। 7th है थ्रेड के बाद नेक्स्ट 7th गम बूट्स, GUMBOOTS, गम बूट्स। ओके, अब नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म्स, SILK, सिल्क, WORMS, सिल्क वॉर्म्स। 9th कोकून, COCOON, कोकून। 10th नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। 11th फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स। 12th यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। हमने फिर क्वेश्चन 1 किया था। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स, कपड़े क्यों पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, जो कपड़े होते हैं वो हमें
प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हीट, कोल्ड, रेन और डस्ट से। सेकंड क्वेश्चन था फिर हमारा, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन, किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं इन द समर सीजन। समर सीजन में हमने क्या आंसर लिखा था? कॉटन क्लोथ्स। फिर बी है द विंटर सीजन, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स। ओके, देन रेनी सीजन, रेनी सीजन में हमने रेनकोट्स एंड गम्बूट्स लिखा था, और अगर वाटरप्रूफ क्लोथ्स लिखते हैं वो भी ठीक ही है। ओके, फिर हमने क्वेश्चन थ्री किया, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट डू वी वेयर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, रेन से खुद को बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं। आंसर हमने लिखा वी वेयर रेनकोट एंड गम्बूट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, अपने आप को बचाने के लिए रेन से हम रेनकोट और गम्बूट्स पहनते हैं। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके, ऑफ चैप्टर फाइव। ऐसे क्वेश्चन जो बुक में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ओके, तो वो आपको आने चाहिए, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे बनाना होता है, डेट, देन चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर के नीचे चैप्टर का नेम, फिर आप डे लिखते हैं, फिर क्लास वर्क। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम इन्हें यहाँ पर अलग से दिखाने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख दिया है और एक शेप बना दी है। ओके, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन डालते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। क्वेश्चन वन क्या है? क्वेश्चन वन, वन में हम लिखेंगे व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। इसका मतलब कि हम कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं। अब हम आंसर लिखेंगे इसका, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर। आंसर अब लिखेंगे हम इन समर, इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स एज इट कीप्स अस कूल। आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं एंड कंफर्टेबल। समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ताकि हम कूल रह सके, कंफर्टेबल रह सके। अभी हमने सिर्फ कूल तक ही लिखा है, ओके, आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं एंड कंफर्टेबल। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन
जो है वो है वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। क्वेश्चन में पूछा है कि हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, तो आंसर अब हम लिखेंगे इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स एज इट कीप्स अस वार्म, क्योंकि ये हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, यानी गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स एज इट कीप्स अस वार्म। ओके, तो क्वेश्चन वन और टू जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आप उन्हें लिखेंगे अपने नोटबुक में और लर्न करेंगे। ओके, सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।